इस वीडियो के द्वारा हम आपको ये छोटा सा बस मैसेज देना चाहते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारे साथ एक मुख्य गेस्ट जुड़ने वाले हैं, तो आप देखते रहिए, हम उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। बैठी 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 दोस्तों नमस्कार, ये हमारे लोग खास गेस्ट। तो शर्मा जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बताइए आपका अपना क्या सवाल है? आपका सवाल मेरा सवाल ये है कि आप अक्सर से इतना प्यार करते हो, मुझे प्रेरणा आपसे कहाँ से आई? बिल्कुल दरअसल क्या है कि बहुत सालों से मैं इस चीज़ में जुटा हुआ हूँ कि पक्षियों का कोई होता नहीं, कोई घर नहीं होता, कोई उनका कोई जैसे कोई रेस्टोरेंट कोई खाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था तो उनकी होती नहीं, ठीक है, तो वे अपना पालन पोषण खुद करते हैं। और आज का मौसम ऐसा है, इतना गर्म है कि उन्हें कहीं छाँव में बैठने की जगह ही नहीं मिल पाती, क्योंकि पेड़ ही बहुत कम है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से ये कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि तो पेड़ अगर होंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा और उसके साथ ही आपका ऑक्सीजन हमें मिलेगी, और साथ ही साथ उन पर बैठने के लिए पेड़ पर पक्षियों का घर निवास होगा। और इससे हमारा एक फ़ायदा और होगा कि जो हमारे यहाँ पानी की कमी है, वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इसलिए कहूँगा दोस्तों मैं आपसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप पक्षियों के लिए अपने छत पर कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसमें छांव में कि पानी भर के रखा जाए, वे पानी पी सकते हो, क्योंकि पानी पीने के लिए उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही, कोई तालाब जोहड़ वगैरह कुछ नहीं बचे हुए हैं। आप कृपया पानी की व्यवस्था करें। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप सभी पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखिएगा, उनके खाने पीने के और पानी का इंतजाम अवश्य कीजिएगा।